एवरीवन, आज हम लोग करेंगे क्लास 11 की पहली पोएम बुक। कौन सी बुक की? हॉर्नबिल बुक की। शुरू करते हैं। पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टाउल्सन। इस पोएम में क्या है, एक फोटोग्राफ के बारे में बात हो रही है, जहाँ जो पोएट है वो उस फोटोग्राफ को देख रही है, जहाँ उसकी मम उसकी मदर और उनकी दो कजन्स हैं, जो क्या है बहुत ही छोटी एज में जब वो बच्ची होती हैं तब क्या है उन वो फोटो खींची गई है और उसको लेके अब पोएट ये पोएम लिख रही है। तो शुरू करते हैं पोएम। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजन वेंट पेडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर और सो। यहाँ पेडलिंग से क्या मतलब है, वॉकिंग बेयर फुट इन शेलो वॉटर। कार्डबोर्ड यहाँ पोएट फोटो के लिए यूज कर रही है। यहाँ पोएट बोल रही है कि वो एक कार्डबोर्ड जो कि एक फोटो है वो ये दिखा रहा है कि उस फोटो में क्या है उनकी ममा है, उनकी ममा है और वो दो अपनी गर्ल कजन्स के साथ है जो कहाँ है, जो बीच पे गई है। पेडलिंग का मतलब वो वहां बीच पे घूम रही है, अपने नंगे पैरों से पानी उनके पैरों को छू रहा है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड, और वो जो दोनों कजन्स है उन्होंने क्या किया है, मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है। उन दोनों कजन्स ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है और वो जो बड़ी लड़की है, जो बड़ी लड़की कौन है, पोएट की माँ है, वो क्या है, वो उस समय 12 या उसके आसपास की उम्र की है। पोएट बोल रही है ये जो फोटो है ये क्या दिखा रही है, तीन लड़कियों को दिखा रही है जो बीच पे नंगे पैर घूम रही है, जिनके पैरों को पानी छू रहा है। वो क्या कर रही है, वो अपनी दो और कजन्स के साथ वहां घूम रही है और वो दोनों कजन्स क्या है, पोएट की मदर का हाथ पकड़े हुए है। नेक्स्ट इज ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर एट द अंकल विद कैमरा अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फेस। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। वो जो तीनों हैं वो क्या है, वहां स्टिल खड़ी होके अपने अंकल की तरफ देख रही है, जो क्या कर रहे हैं, उनकी पिक्चर ले रहे हैं। किससे? कैमरा से। वो तीनों अपने बालों से झांकते हुए किसकी तरफ देख रही हैं, अंकल की तरफ, जो क्या ले रही हैं, उनकी पिक्चर ले रही हैं। अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। मेरी माँ का जो बहुत ही प्यारा चेहरा उस पिक्चर में दिख रहा है, जो मेरे पैदा होने से बहुत पहले का फेस है जो मैं उस पिक्चर में देख पा रही हूँ। एंड द सी, और जो सी वहां है वो क्या है, वो अभी भी इतना चेंज नहीं हुआ है, चेंज्ड लेस। वो जो वहां सी है वो क्या है, बहुत ही कम चेंज हुआ है, आप बोल सकते हैं वो अभी भी वैसा का वैसा है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट का मतलब यहाँ क्या है, ट्रांजिएंट का मतलब है लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो चीज बहुत ही थोड़े टाइम के लिए रहे और उसके बाद क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए, उसके लिए क्या यूज किया गया है, ट्रांजिएंट फीस। तो या क्या क्या बोल रही है पोएट कि वहां जो बीच है जहां वो पिक्चर ली गई है उसकी मदर की और उनकी कजन्स की, वो क्या है, वो अभी भी वैसा का वैसा ही है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। और वो सी जो है वो उसकी मदर और उनकी कजन्स के पैर धो रहा है, जो कैसी है, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, मतलब क्या है, वो बीच वैसा का वैसा है लेकिन उनकी मदर जो है वो अब उनके साथ नहीं है। ट्रांजिएंट का मतलब यहाँ किस लिए यूज किया गया है कि जो इंसान है वो क्या है, वो पैदा होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन जो वहां बीच है वो अभी भी इतने सालों बाद भी वही की वही है, वैसा का वैसा है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उनकी जो मदर है वो अब उनके बीच नहीं है, वो अब उनके साथ नहीं है। सम 20-30 ईयर्स लेटर She would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she'd say and look how they dressed up for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both well with the labored ease of loss. अब यहाँ पोएट क्या बोल रही है कि पोएट बोल रही है कि जब भी उनकी माँ उस फोटो को देखती थी स्नैपशॉट में, यहाँ स्नैपशॉट का मतलब क्या है, फोटो, कि जब भी उनकी माँ उस फोटो को देखती थी वो क्या करती थी, हंसती थी। वो हंसती थी उन्हें देख के, अपनी किसे देख के, कजन्स को, बेटी और डोली को, जो उनके साथ उस पिक्चर में थी, वो देख के ये हंसती थी कि किस तरह से उन्हें ड्रेसअप किया गया है और वो कैसे अपने बचपन में कहाँ जाती थी, बीच पर जाती थी, वो इस चीज को देखकर हंसती थी। द सी होलीडे, वो सी होलीडे को याद करती थी और उस फोटो को देखकर हंसती थी।
अब यहाँ पोएट क्या बोल रही है, जब उनकी मदर हंसती थी वो क्या देखती थी उस पिक्चर को, कि ये पिक्चर बहुत पुरानी है, कि कैसे मैं और मेरी कजन्स डोली और बेटी सी कहाँ जाया करते थे, हॉलीडे के लिए बीच पर जाया करते थे। तो ये क्या था, वो पिक्चर देख के हंसना, वो सब क्या था, जो उनकी मदर थी उनका पास था, उनका पास था। वो जब बच्ची थी तब वो क्या बताया कि जब वो 12 या उसके आसपास की उम्र थी तब वो वहां जाया करती थी, और अब वो बड़ी हो चुकी है जब उस फोटो को देखती है तो वो बहुत ही हंसती है। माइन इज हर लाफ्टर। तो जो बीच की फोटो को देखना है वो उनकी मदर का पास्ट है, और जो पोएट है उनका पास्ट क्या है, उनका पास्ट अब उस फोटो को देखना है। अब उनके पास उनकी मदर नहीं है, उनके पास सिर्फ वो फोटो बची है। तो अब पोएट का पास्ट क्या है, उस फोटो को देखना, क्योंकि उनकी मदर अब उनके साथ नहीं है। बोथ वेरी विद द लेबर डेज ऑफ लॉस। वेरी का मतलब क्या है, डिसअपॉइंटमेंट। बोथ का वेरी का मतलब डिसअपॉइंटमेंट। अब वो क्या कहती है, ये जो दोनों ही चेंजेस है क्या है, ये बहुत ही आसानी से उनकी लाइफ में आ गए हैं। दोनों चेंजेस कौन से, एक उनकी मदर की लाइफ में जो चेंज है, उनकी मदर की लाइफ में क्या चेंज आया, उनका चाइल्डहुड जो है वो उनसे छिन गया, उनका चाइल्डहुड जो है वो उनसे छिन गया, और वो क्या हो गई है, एज्ड हो गई है। जब उस पिक्चर को देख रही थी तब वो क्या थी, एज्ड हो चुकी थी, और वो उसे देख के याद करती थी अपने पुराने टाइम को। तो क्या बता रही है पोएट, कि मदर से क्या छिन गया है, चाइल्डहुड छिन गया है, और उनसे क्या छिन गया है, उनसे उनकी मदर छिन गई है। लेकिन दोनों ही जो लॉस है वो क्या है, इजिली एक्सेप्ट किए गए हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चेंजेस जो है वो नेचुरल है और वो होंगे ही होंगे। तो ये इस तरह का लॉस है जो उन्होंने आसानी से क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस। अब वो क्या बोल रही है कि अब उन्हें मरे हुए कितना टाइम हो गया है, इतना टाइम हो गया है जितना कि उस पिक्चर में उस लड़की की उम्र है, मतलब उनकी माँ की उम्र है। कितनी उम्र है, 12 साल। तो वो बोल रही है पोएट कि अब उनकी माँ को मरे हुए कम से कम 12 साल हो चुके हैं, और अब इस सिचुएशन में उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, साइलेंस ही साइलेंस है। अब उनकी मदर क्या है, वो जा चुकी हैं, तो अब उनके पास इस सिचुएशन में उनकी पिक्चर को देख के याद करने के अलावा और कुछ नहीं है। तो वो क्या बोल रही हैं, अब सिर्फ और सिर्फ क्या है उनकी लाइफ में, साइलेंस ही साइलेंस है। अब पोएम में क्या होते हैं, कुछ पोएटिक डिवाइसेस होते हैं। क्या होते हैं, पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, वो हम लोग देखते हैं क्या क्या पोएटिक डिवाइस हैं इस पोएम में। एलिट्रेशन, क्या है एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है, सेम सेम साउंड जब दो कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स में आएगी वो क्या होगी, एलिटरेशन। देखते हैं कहाँ कहाँ इसमें एलिटरेशन है। ये रही, ये वॉज एंड वेन, यहाँ क्या है, ये भी डब्ल्यू से शुरू है और ये भी डब्ल्यू से ही शुरू है, तो ये क्या है, एलिटरेशन। एंड नेक्स्ट इज माई मदर, माई मदर क्या है, दोनों में सेम सेम वर्ड से दोनों वर्ड्स की शुरुआत हो रही है, ये क्या होता है, ये कैसी पोएटिक साउंड होगी, एल्ट्रेशन की। नेक्स्ट इज एंजामेंट। एंजामेंट क्या होगा, एंजामेंट क्या होगा, एंजामेंट वो होता है जब दो लाइंस में सेम एक ही चीज क्या रही, एक ही लाइन क्या हो रही है, रिपीट हो रही होती है, किसी भी तरह का कोई पंचुएशन यूज नहीं होता है। तो देखते हैं यहां कौन सी लाइंस है जो क्या है, एंजामेंट है। फर्स्ट और सेकेंड लाइन जो क्या है, वो क्या है, एंजॉयमेंट है दोनों लाइन्स में। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस क्या होगा, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस होगा एपिथेट। क्या होगा, एपिथेट। ये क्या होता है, कोई एडजेक्टिव यूज होना, किसी वर्ड के साथ क्या होना, एडजेक्टिव यूज होना। जैसे यहां बताया गया, यहां क्या बताया गया है, जो उनके फीट्स थे वो कैसे थे, टेरिबली ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट फीट्स, फीट्स के बारे में बताया गया। ट्रांजिएंट क्या है, यहाँ एडजेक्टिव। तो ये क्या होगा, ये कैसी पोएटिक डिवाइस होगी, एपिथेट की। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस कौन सा होगा, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होते हैं, जब दो ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड्स एक साथ आते हैं, ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड्स जो एक साथ आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीमोरोन। इसमें कहां है, दो ऑपोजिट वर्ड के, लेबर्ड ईज, ये क्या है, ऑक्सीमोरन होंगे। लेबर्ड का मतलब क्या है, जो बहुत मुश्किल से होता है, और ईज का मतलब जो बहुत ही आसानी से हो जाता है। दोनों क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट वर्ड है, तो ये क्या होंगे, ऑक्सीमोरन। ये क्या होंगे, ऑक्सीमोरन। अब हम लोगों ने पोएटिक डिवाइस देखी है, एंजामेंट देखी है, एल्ट्रेशन देखी है, एपिथेट देखी है, और ऑक्सीमोरन देखी है। और इस पोएम की जो पूरी एक्सप्लेनेशन है वो हम लोगों ने इस पार्ट में की है। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट पोएम की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।
Oh,